ये देखिए डायमंड रिंग जो है ना, डायमंड रिंग आपको पड़ रही है 3,20,000 रुपये की, एक डायमंड रिंग 3,20,000 रुपये की, ठीक है। और ये आपको जो कड़ा हाथ का कड़ा है आपको पड़ रहा है 10,03,000 का, आप उसको मान सकते हैं 10,03,000 का एक, यानी 2,00,000 हो गए 20,00,000 के। अभी ये गले का हार आपको पड़ा देखिए 2.5, यानी 22,00,000 रुपये का, 22,00,000 रुपये का ये गले का हार आपका देख सकते हैं। ये होटल है, होटल की। हेलो दोस्तों, मैं ना मोनिश मेहता मकाऊ चाइना में, ठीक है। इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप लोग कैसे मकाऊ में ना जो कुछ घूमने प्लेसेस, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ ना एक आज मेरी छुट्टी है, थोड़ा घूमने के लिए मैं जा रहा था। देख सकते हैं सामने ना पार्क है, मैं पार्क में आया हुआ था सामने, देख सकते हैं। अभी यहाँ कोई चाइनीज़ों का कोई फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए इन्होंने इतनी डेकोरेशन वगैरह कर रखी है। और यहाँ बस ठीक है, बस मैं जा रहा हूँ बस के अंदर। यहाँ एक कैसीनो है, लाइन से बस रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम चल रहा है। और यह मकाऊ चाइना की ना बिल्कुल एक मेन रोड है, देख सकते हैं। यह बहुत क्राउड रहता है इस रोड पे, आज तो सैटरडे संडे तो बहुत क्राउड रहता है इस रोड पे, क्योंकि यह बस स्टॉप है। 25 बस के अंदर सभी मैं हूँ, ये पूरी बस फुल भरी हुई है, देख सकते हैं पूरी बस फुल भरी हुई, ठीक है। और ना यहाँ ना यहाँ की सरकार क्या करती है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी पब्लिक को कष्ट नहीं देती। जगह जगह ना एलिवेटर लगा रखे हैं, बिल्कुल भी आपको चढ़ाई पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, हर जगह आपको एलिवेटर मिल जाएगा। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है सामने, ये समंदर है और सामने यहाँ ना इन्होंने बुर्ज खलीफा की तरह इन्होंने यहाँ भी ये फव्वारे टाइप के लगा रखे हैं। देखिए ये बहुत तेज़ चलते हैं, फिलहाल धीरे चल रहे हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ चलते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ऊपर तक पानी जाता है, फिलहाल कम चल रहा है। अब चलते हैं आगे, मैं दिखाता हूँ आपको आगे जाके। और ये सामने जो है ना, ये कोई माली है, ये कटिंग कर रहा है इसकी, देखिए मशीन से कटिंग कर रहे हैं। हमें चीज़ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पर रखा जाता है, हमेशा साफ सफाई वाले आपको मिल ही जाएंगे यहाँ पर जगह जगह बहुत सब। अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ना जो डायमंड होते हैं, रियल डायमंड नेकलेस के जो मतलब हार होते हैं, रिंग होते हैं, ब्रेसलेट होते हैं, उसका प्राइस क्या होता है मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ ना, ये ओरिजिनल डायमंड के नेकलेस इन्होंने यहाँ लगा रखे हैं और रिंग लगा, इस रिंग का प्राइस देखिए है 32,700, यानी कि इंडिया के 3,30,000 रुपये की। अब इसकी रिंग आपके 3,30,000 की इंडिया के बन रही है, ठीक है। और जो भी प्राइस लिखा हुआ है उसका पेन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए गले का कोई रोकी है, ठीक है, ये इसका प्राइस है 61,500, यानी कि आपके हो गया 6,15,000 के आसपास, 6,15,20,000 का आप इसको मान सकते हैं, 6,00,000 का ये डायमंड नेकलेस है। नेकलेस नहीं, छोटा सा गले का डालेंगे जो भी यार, देख लीजिए। अब ये है गले का हार, ठीक है, देख सकते हैं इसका प्राइस आप, ये कितना है ये तो दिख नहीं रहा, ये 1,50,000, यानी कि 1,55,000, 1,55,000 MOP है ये इंडिया में, यानी मकाऊ करेंसी, यानी 1,55,000, यानी कि इंडिया का आपको हो गया करीब 16,00,000 के आसपास। ये जो डायमंड हार है ना, 16,00,000 के आसपास ये हार है, ठीक है। अभी डायमंड के इन्होंने यहाँ देखिए लगा रखा है छोटा छोटा, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं, मतलब यहाँ इंडिया के अकॉर्डिंग ये ना डायमंड्स, जैसे डायमंड्स
ज्वेलरी हो गई, गोल्ड हो गई, ये बहुत सस्ती मिलती है क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं होता। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए कानों के ना जो कान में लड़की लेडीज डालती है उसके कुंडल टाइप के हैं, इसका प्राइस 18,400, यानी कि इंडिया का आपके ये हो गया 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये दोनों कान की कुंडल। ठीक है, अभी कही कोई गले का रोकेट है गोल्ड का, इसका प्राइस है 29,700 रुपये, ये यानी कि इंडिया के आपके हो गया 2,90,000 के आसपास, और 3 लाख का आप इसको मान सकते हैं। अभी देखिए ये गोल्ड के ना हाथ में जो कड़े पे होते हैं कितने बड़े कड़े, इसका प्राइस है 1.209, यानी कि आपको हो गया यानी कि 1,900,000 है। ठीक है, 1,200,000 हो गया, यानी कि इंडिया के आपके हो गया 11 लाख के आसपास मान सकते हैं आप इसको, 10.5 लाख के आसपास दोनों कड़े, ये मतलब एक कड़ा 10.5 लाख रुपये का, 10.5 लाख का दूसरा कड़ा। ठीक है, अभी कोई गले का हार है, इसका प्राइस देख सकते हैं आप 2.379 इसका प्राइस, यानी कि इंडिया के आपके हो गए 2.2 लाख, यानी कि आपके ये 20 लाख प्लस हो गया, 20,30,000 के आसपास ये आपका मिल रहा है। ठीक है, ऐसी और भी इन्होंने ज्वेलरी लगा रखी है। अब ये देखिए रोलेक्स वॉच है ओरिजिनल, या रोलेक्स वॉच इन्होंने लगा रखी है, आप इसको बाय कर सकते हैं। रोलेक्स से ये इंडिया में काफ़ी महंगी स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पे इतनी महंगी नहीं है, इसका प्राइस लिखा हुआ नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे प्राइस इन्होंने मैंशन नहीं कर रखा, उन्होंने वॉच लगा रखी है, ये भी आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ ना ये बहुत सस्ता पता है क्योंकि यहाँ पर टैक्स नहीं लगा बिल्कुल।